हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विशिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूर्णित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। एक तो अर्जुन का ये भौतिक दया, कृपयाविष्टम, कृपया है लेकिन कृपा कैसी है, भौतिक है, तो भौतिक कृपा। फिर शोकायुक्त होना और अश्रु, ये तीन चीज, और एक शब्द मधुसूदन। तो पहले इन तीन के बारे में बात करते। भौतिक दया, किसी के ऊपर भौतिक दया या भौतिक संसार का शोक और हमारे आंख से अश्रु आना, ये तीनों संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं तीनों? ये तीनों अज्ञानता के सूचक हैं। किस चीज की अज्ञानता? हमारे अस्तित्व की अज्ञानता। मैं कौन हूं, अर्जुन यहां पे भूल गया है। अर्जुन अपने आप को शरीर मान बैठा है अज्ञानतावश, और ये सोच रहा है कि भीष्म भी शरीर है, द्रोणाचार्य भी शरीर है, दुर्योधन भी शरीर है, सब शरीर है। आजकल 99% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। इस अज्ञानता से हम क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर के द्वारा जितना भोग कर सकता हूं कर, और इसके कारण क्या होता है, हम भोग कर नहीं सकते क्योंकि हम भोगी नहीं है। भगवान भोगता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, भगवान भोगता है, हम उनके सेवक। क्योंकि नहीं भोग पाते हैं तो शोक होता है, और उसी शोक से हमारे भौतिक अश्रु निकलते। जब अपने आप को शरीर मानते हैं, दूसरे को शरीर मानते हैं, तो भौतिक दया क्या होती है? मान लीजिए आप किसी नदी किनारे जा रहे हैं या समंदर किनारे आप टहल रहे हैं, और आपको आवाज आ रही है कोई व्यक्ति डूब रहा है, बचाओ 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 करके आपको इशारा कर रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा डूब गया है, थोड़ा सा उसका सर दिख रहा है, थोड़े बहुत हाथ दिख रहे हैं, बचाओ बचाओ, बीच बीच में आवाज आती है और इशारा कर रहा है, आपके अंदर दया आ जाती है, आपको स्विमिंग भी आती है। देखिए, दया के साथ आपको, आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। कई बार लोगों को बस दया तो आ जाती है लेकिन देने के लिए कुछ नहीं होता। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप सिर्फ दया प्रकट कर सकते हैं अपने हृदय में, शब्दों में, अपने मन में, हाँ, लेकिन उसके ऊपर दया कर नहीं सकते क्योंकि आप बचाने जाएंगे आपको डूब जाएंगे। तो आपको तैरना आता है, आप चले गए, हाँ, बहुत स्पीड से तैरने गए, और उस व्यक्ति ने टोपी पहना हुआ था, उसकी टोपी को उठाया, उसके जैकेट को उठाया और तैरते हुए बाहर आ गए, बचा लिया, देखो मैंने इसको बचा लिया। तो सब लोग सोचते हैं, वाह ये तो हीरो है, हाँ दिखाओ दिखाओ क्या बचाया, तो टोपी और जैकेट लेके आया, आदमी तो डूब गया। तो आप बड़े बुद्धिमान हैं? नहीं, वो व्यक्ति मूर्ख है। अरे आदमी डूब गया, आप उसके कपड़ों को बचा के क्या करेंगे? वैसे ही ये शरीर को बचा के अगर आत्मा का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ शरीर के लिए पोषण किया जा रहा है, तो क्या फायदा? यह शरीर तो वैसे ही मृत है। देखिए, शरीर जीवित दिखता है, और नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ता है, दुबला होता है, मोटा होता है, चलायमान है, हार्ट बीट हो रहा है, फेफड़े चल रहे हैं। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि आत्मा उसमें है। जिस क्षण आत्मा चली गई, ये शरीर खत्म, क्योंकि शरीर तो पहले ही मृत था। चलता तो बच्चे लोग का खिलौना भी है, वो बच्चों के खिलौने चलते हैं ना, ट्रेन होती है, चाबी भर दो, वो चुक 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 करते हुए घूमते रहती है, तो क्या जीवित है? नहीं, उसके अंदर चाबी भरा हुआ है। वैसे ही हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर मतलब हम इस शरीर में रह रहे हैं,
जिस समय हमने शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर खत्म, फिर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो पूरा जीवन इस शरीर को दे रहा हूं, आत्मा को कुछ नहीं कर रहा हूं, बड़ा विद्वान व्यक्ति हूं मैं, थोड़ा सोचना चाहिए। हम शरीर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप सोचिए आप कितना समय, कितना पैसा, कितना एनर्जी शरीर के लिए लगा रहे हैं और कितना आत्मा के लिए, रेशियो निकाल लीजिए। जीरो है आत्मा के प्रति, जीरो न के बराबर। तो इसलिए आत्मा का पोषण करना चाहिए। ये सिर्फ शरीर का करने वाला शूद्र होता है, उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं, अज्ञानी है। और इसीलिए फिर वो शोकायुक्त तो होता है, शोक करता है, हो मेरे परिजन उनकी मृत्यु हो गई, और मेरी माता बीमार हो गई, मेरे पिता बीमार हो गए, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे बीमार हो गए, कोरोना हो गया या किसी का कुछ। तो ये तो होना ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। देखिए इसमें दुख लगने वाली बात नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा शरीर में प्रवेश की है, अपने जितराय का टिकट खरीदा है, उसके बाद उसको बाहर जाना है। आप टिकट खरीदते हैं, ट्रेन बॉम्बे से दिल्ली तक जा रही है, बॉम्बे दिल्ली राजधानी, आपने टिकट ही खरीदा है कोटा तक का, तो कोटा में उतरना ही पड़ेगा, आप आगे नहीं जा सकते। तो ये शरीर में हमने क्या, हमारा पुण्य पाप है जो भी है, 80 साल इस शरीर में बोला कि 80 साल तुम इस शरीर में रहोगे, लिख दिया, बस 80 साल से ज्यादा रह नहीं सकते। तो इसके लिए क्यों शोक करना और क्यों दुखी होना, क्यों आंसू बहाना? यहां पे संजय एक शब्द बोलते हैं भगवान के लिए, मधुसूदन। क्यों मधुसूदन शब्द हुआ? क्योंकि मधु नामक राक्षस को मारा था भगवान। तो अर्जुन के मन में ये मधु नामक ये राक्षस बैठ गया है, शोक मोह ये राक्षस बैठ गया है। और मधुसूदन अब अगले श्लोक से भगवद गीता बोलना चालू करेंगे, श्री भगवान वाच, अगला ही श्लोक। और अर्जुन के मन में जो ये राक्षस आके बैठ गया, जिसने पकड़ लिया है, हमारे मन में भी जब ये राक्षस बैठा ही हुआ है, कैसे पकड़ लेता है, हम लोग असहाय हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। हम चाहते तो है कुछ करना, लेकिन कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि वो असुर ने पकड़ के रखा है। तो ये असुर को कौन मारेगा? भगवान मधुसूदन मारेंगे। कैसे मारेंगे? अपने वचनों से मारेंगे। भगवद गीता के इन वचनों से अर्जुन का जो मन को पकड़ा हुआ असुर है उसको मार देंगे। वैसे ही हमारे मन में, हमारे अंदर जो ये असुर बैठा हुआ है, जो हमें सुख प्राप्त नहीं करने दे रहा है, जो हमें आनंद के मार्ग पर नहीं जाने दे रहा है, उसको भगवान अपने वचनों द्वारा काट देंगे। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को भगवान के शरण पर रखना है और उन वचनों को सुनना है, पढ़ना है, समझना है। भगवान उन वचनों के द्वारा अंदर जाके इधर ऑपरेशन कर देंगे, तब हम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। यह है मधुसूदन का अर्थ। नहीं तो हम संसार में शोक मोह इन सब में लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं। आप कितना अच्छा, दुख प्रकट करने के बाद भी तो कुछ उसका फायदा नहीं है। आप रोते रह जाएंगे, दुख प्रकट करते रह जाएंगे, फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो तभी होगा जब हम भगवद गीता को अपने हाथ में उठाएंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे प्रामाणिक स्रोतों से, तब ये भगवान परंपरा के द्वारा आते हुए अपने वचनों से उस असुर को खत्म करेंगे, और फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसलिए भगवद गीता पढ़िए और सुनिए। हरे कृष्ण।